दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो आर्मी ग्रुप्स हैं जिसमें पहले आर्मी कॉन्टिजेंट ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में 32 मेंबर्स हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को साथ में ही परेड करनी है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 660। पहले ग्रुप में 660 मेंबर्स हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 32। दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम 616 को डिवाइड कर देंगे 32 से। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 616 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 32। 32 वनजा 32। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 गए बचा 9, 5 में से 3 गए बचा 2, यहाँ 6 आ जाएगा। अब जब इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 288। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 गए बचा 8, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गया 0। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हमारे 8। तो ये जो आर्मी बैंड है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 में बोला है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके, तो हमारा कौन से फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिविडेंड मैंने दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम यहाँ पे a ले लेंगे, डिवाइजर को b ले लेंगे, क्वेश्चन को q ले लेंगे, प्लस रिमाइंडर r ले लेंगे। अब जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है और जो हमारा क्वेश्चन होता है उससे छोटा होता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टार मार्क कर लेना। तो a हमें यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो a लिख लेंगे। d यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर हमें दे रखा है यहाँ पे 3, तो हम इसे 3 रखेंगे। और क्वेश्चन तो हमें दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसे q कर लेंगे, प्लस r। रिमाइंडर क्या है हमारा, जीरो से जीरो के इक्वल, जीरो से बड़ा लेकिन क्वेश्चन से छोटा। तो हम क्वेश्चन से छोटा क्या है यहाँ पे, हम इसे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं लेकिन 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 के तो इक्वल हो जाएगा ना। तो हम इसे 0, 1 और 2 तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर को 0 ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा ना, तो प्लस करेंगे 0 तो कुछ आएगा नहीं। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर, तब इसमें से कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो जो हमारा 3q आया है इसे हम m ले सकते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू 3m, ये तो हमने प्रूफ कर दिया a इज इक्वल टू 3m। अब ये हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ से प्रूफ कर लेते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r, रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 में से कुछ भी हो सकता था। a इज इक्वल टू b क्या था हमारा 3q प्लस रिमाइंडर हम 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड पे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3q का 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं थ्री क्यू दे रखा है, थ्री क्यू का स्क्वायर यानी कि नाइन क्यू का स्क्वायर प्लस में टू थ्री क्यू इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन। तो अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, थ्री बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन। तो ये जो हमारा अंदर है इसे हम m ले सकते हैं, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन। तो ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस और 9m8। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हमें क्या बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या होना चाहिए 9m की फॉर्म में, 9m प्लस 1 की फॉर्म में और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो डिविडेंड को हम ए ले लेंगे, डिवाइजर को हम बी ले लेंगे, क्वेश्चन को हम क्यू ले लेंगे, प्लस रिमाइंडर को हम आर ले लेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ये ए ही रहेगा। बी यहाँ पे हम इसे थ्री ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइन दिया है, लेकिन हम इसे तो क्यूब करना है ना, तो हम यहाँ पे इसे थ्री ले लेंगे, क्यू प्लस आर। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो जीरो के इक्वल होगा और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा उससे छोटा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे थ्री, तो हमारा रिमाइंडर जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, लेकिन थ्री नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस जीरो ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ए का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यूब, थ्री क्यू का क्यूब, क्योंकि जीरो तो प्लस करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, तो इसमें जीरो नहीं लिख रहे हैं। ए का क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री का क्यूब जो करेंगे तो 27 क्यू थ्राइस आ जाएगा। जब इसमें कॉमन लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा थ्री क्यू थ्राइस। तो यहाँ पे जो थ्री क्यू आया है इसे हम m ले सकते हैं, थ्री क्यू थ्राइस इज इक्वल टू m। तो a इज इक्वल टू 9m, ये हमने प्रूफ कर दिया। जो a है वो हमारा इज इक्वल टू 9m है। अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 9m प्लस 1 प्रूफ करना है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बार हम रिमाइंडर को 1 ले लेंगे, हमारा b क्या था 3q प्लस रिमाइंडर को हम 1 ले सकते हैं, रिमाइंडर को 1 ले लेते हैं 1। अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है दोनों साइड पे, क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब a क्यूब होता है, 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a क्या है 3, यानी कि 3q का क्यूब प्लस में b क्या दे रखा है 1, तो 1 का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3, यहाँ पे a है हमारा 3q मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर देना b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27q, और क्यूब भी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू दे रखा है इसके साथ में, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस में 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,
9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर 3 है ना, तो 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3 क्यू, 3 क्यू इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू ए क्यूब। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यू प्लस में 1। तो ए इज इक्वल टू, जो अंदर वाली डिजिट है हम इसे क्या ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एम। तो ए इज इक्वल टू 9 एम प्लस 1, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ए इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए 9m प्लस 1, सॉरी 9m प्लस 8 हमें प्रूफ करना है, तो हम उसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 8, हमें प्रूफ करना है तो अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारा डिविडेंड क्या था, ए डिवाइजर था बी क्यू प्लस आर, तब हम रिमाइंडर 2 ले लेंगे, तो ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ए का क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी वाली, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, यहाँ पे b आ जाएगा प्लस 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सपेंड करके आइडेंटिटी लिख ली है, तो a क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a क्या है हमारा 3q है, 3q का क्यूब प्लस b है हमारा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, a क्या है हमारा 3q, तो 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b है हमारा 2, 2 को लिखेंगे प्लस 3, ए हमारा 3 क्यू, अब बी बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है 27 और क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और क्यू भी उसके साथ आते हैं 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू को स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 18, अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 54 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36 क्यू, ये आ गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू, अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस, यहाँ तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसे 8 को रहने देंगे, 54 क्यू स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू है तो यहाँ आ जाएगा 4 क्यू प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म को हम लास्ट में लिख लेंगे 8, ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो अंदर वाली ये जो टर्म है ये 8 से पहले पहली वाली ये जो है इसे हम m के इक्वल ले लेंगे, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।